हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम आमड़े का अचार बनाएंगे। 1 सालों तक आप स्टोर करके रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होते, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। सीजन बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, आप आमड़े का अचार ज़रूर बनाइए। उसमें जालियाँ नहीं पड़ी है, गुठली नहीं पड़ा है, अचार बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। चलिए अचार को बनाना शुरू करते हैं। 2 किलो हमने ये आंवला ले लिया है। इसका नाम जो है आंवला, आमड़ा, और अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। देखिए, हमने इसे ले लिया है। इस समय इसका अचार बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इसमें जो जालियाँ नहीं पड़ी, मतलब खुद से नहीं पड़े अभी अभी, ये बहुत ही अच्छे हैं। हम आपको काट के दिखाते हैं। ऐसे ही जब तैयार हो जाते हैं तो आप इसका अचार बनाइए, बहुत ही टेस्टी अचार बन के तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं, ऐसे ही हम इसे 2 पीसों में सारे आमड़ा को काट के तैयार कर लेंगे। इसका टेस्ट जो है अचार का, एकदम सेम आम के जैसे ये तैयार होता है, आम के जैसे ये खट्टा होता है। जब बरसात का सीजन शुरू हो जाता है, देखिए ये तैयार हो जाता है अचार बनाने के लिए। ऐसे हम 2 पीसों में इसे काट के पहले तैयार करेंगे। वजन में हमने ये 2 किलो लिया हुआ है। सारा आमड़ा हमने काट दिया है। अब इसे हमें धूप दिखानी है। धूप बहुत अच्छी हुई है, अब इसे पूरे दिन हमें धूप दिखाना है। जितने अच्छे से धूप देख लेगा ये, तो अचार जो है लंबे समय तक चलता है, सालों तक। आप 5 सालों तक भी स्टोर कर लेंगे इसे, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। लेकिन अच्छे से धूप दिखाना इसे, धूप बहुत अच्छी हुई है। चलिए अब इसे धूप में डाल देते हैं। पूरे दिन धूप देखने के बाद देख सकते हैं आमड़ा कैसे अच्छे से सूख गया है। अब इसमें जो डालना है हमें वो देख लेते हैं। नमक और हल्दी डालना है, तो हमने ये 4 टेबल स्पून हमने ये नमक ले लिया है, और ये जो रहा हल्दी, ये भी हमने हल्दी भी 4 टेबल स्पून हल्दी, और दोनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसमें। अब इसे अच्छे से हमें घुमा घुमा के नमक और हल्दी के साथ आमड़े को मिक्स कर लेना है। हल्दी और नमक दोनों अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके लिए क्या क्या मसाले हमें यूज़ में लेना है वो देख लेते हैं। ये रहे खड़े मसाले, 2 टेबल स्पून हमने ये खड़ा धनिया ले लिया है। ये पीली वाली राई है, 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ये मेथी दाना, 2 टेबल स्पून ये ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून ये सौंफ। ये रहे हमारे खड़े मसाले। अब इसको डाल देते हैं इसमें, कढ़ाई में चूल्हे को ऑन कर देते हैं। इसमें डालेंगे ये सूखी 3 खड़ी जो है लाल मिर्च, हमने ये डाल दिया। अब साथ में अच्छे से मसालों को लगातार चलाते हुए मसाले हमें भून लेना है। लगातार चलाते हुए हमने मसाले को भून लिया है। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं। मसाला भून चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं थाली में ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाने के बाद तब इसे हम पीसेंगे, वो भी दर दर हमें पीसना है। भुने हुए मसाले जो है ठंडा हो गए हैं। अब हमें मिक्सर जार में ले लेना इसे, इसका हम दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। मसाले जो है पीस के तैयार हो गए, देख सकते हैं हमने दरदरा पाउडर जो है तैयार कर लिया है। नमक और हल्दी हमने मिला के 4 घंटा छोड़ा था। आप देख सकते हैं कैसे ये गल गया है। पानी भी छोड़ दिया है, थोड़ा बहुत इसमें पानी छोड़ा है। लेकिन इसको क्या करना है, हमें ऊपर से हम निकाल के और इसे धूप दिखाएंगे, अच्छे से धूप दिखाएंगे, और एक्स्ट्रा पानी जो रहेगा उसको हम नहीं यूज़ करेंगे, उसको हटा देंगे। पानी रहेगा तो अचार ख़राब होने के चांस होते हैं, इसलिए इसे सुखाना बहुत ज़रूरी है कि पानी इसका सूख जाना चाहिए। चलिए अब इसे हम धूप में डाल देते हैं। आमड़े को हमने धूप में डाल दिया है पेपर पर, कि इसका एक्स्ट्रा पानी जो रहेगा पेपर में सूख लेगा। देखिए आमड़ा जो है पूरे दिन धूप देख लिया है, अब इसे हम उठा के अंदर ले चलेंगे, सूख चुका है। 1/2 kg हमने ये लहसुन ले लिया है, इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट हमने तैयार कर लिया, इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाला था। अच्छे से लहसुन जो है पीस जाता है, इसलिए हम इसको हमने पीस के तैयार कर लिया। अब ये जो रहा हमारा आमड़ा, अब इसमें हम ये पेस्ट जो है निकाल लेते हैं। 2 टेबल स्पून हमने ये नमक, पहले हमने नमक डाला था इसलिए नमक ज़्यादा ना डालें, चेक करके नमक डालें, इसलिए हमने 2 टेबल स्पून नमक ले लिया है। और ये रही हल्दी पाउडर, ये भी हमने 2 टेबल स्पून ले लिया है हल्दी पाउडर। और ये जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये भी हमने 2 टेबल स्पून ले लिया है। ये तीखा नहीं होता, कलर के लिए होता है। ये तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर, इसको भी हमने 2 टेबल स्पून ले लिया है। ये रहे हम मेरे पीसे हुए जो है मसाले, अब इन्हें भी डाल देते हैं अचार में।
अब इसको डाल देते हैं। अब इसके साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो रहा लहसुन का पेस्ट हमने डाला था, और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ये अजवाइन, और 1 टेबल स्पून ये मंगरेल। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें पिसे हुए जो हमने मसाले भून के तैयार किया था, अब उसको डाल देते हैं। ये रहा अचार में मसाले जो है डाल देते हैं, और इसमें डालेंगे तेल। ये जो रहा 1 पाव हमने तेल ले लिया था, तेल हमने डाल दिया, गरम करके हमने रखा हुआ था, ठंडा हो गया था, और ये तेल डाल के मिक्स कर देते हैं मसाले और तेल के साथ। अचार जो है तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी अचार बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरीके से आप अचार को बनाइए और खाइए। अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं। अब इसे जो है हमें 10 से 12 दिन जार में डाल के, और इसे हम धूप दिखाएंगे। अब इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है।